हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज रोल की रेसिपी तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रोल बनकर रेडी हुए हैं वो कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बने हैं साथ ही वो खाने में भी बहुत टेस्टी हैं तो आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके इवन जो आपके बच्चों को पसंद नहीं है वो सब्जी अभी आप इसके थ्रू उनको खिला सकते हैं और वो खुश होकर खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना यहाँ पर सबसे पहले हमने लेना है ढाई सौ ग्राम मैदा जिसमें हम एक चौथाई चम्मच अजवाइन डालेंगे नमक स्वादानुसार डालेंगे और साठ से पैंसठ एम हम इसमें डालेंगे देसी घी या फिर वनस्पति घी जिसको हमें गुनगुना करके ही इसमें डालना है ठंडा नहीं डालना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इक्वली पूरे आटे में उसके बाद हम लेंगे गुनगुना पानी और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो बनाते जाएंगे जिस तरीके से हम समोसे का डो बनाकर तैयार करते हैं यहाँ पर लगभग आपका 100 एम पानी लग जाएगा ये आटा बनाने के लिए एक दो तो चम्मच ज़्यादा या एक दो तो चम्मच कम भी हो सकता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि आटा हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और अब हम इस आटे को ढककर रख देंगे पाँच से दस मिनट के लिए तो जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल जिसमें मैं लूँगी आधा किलो उबले हुए आलू और ये आलू हमें अच्छे से मैश कर लेने हैं हमें इनमें जो पीसीज हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं छोड़ने हैं यानी हमें अच्छे से मैश कर लेने हैं क्योंकि जो रोल बनेंगे वो हमारे छोटे छोटे साइज़ के बनेंगे ताकि उसमें फिलिंग अच्छे से आ सके कुछ इस तरह का ये देखिए अब हम इसमें जो बारीक बारीक चोप करके मैंने सब्जियाँ रखी थी वो एक एक करके मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च डाली है गाजर डाली है साथ ही मैंने हरी मिर्च डाली है मटर डाली है और साथ ही मैंने ढेर सारा डाला है इसमें हरा धनिया अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिनमें स्वादानुसार नमक डालेंगे एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर उसी के साथ मैंने आधा चम्मच डाला है गरम मसाला और उसी के साथ मैंने डाला है आधा चम्मच अमचूर पाउडर आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है यहाँ पे काला नमक लगभग एक चौथाई चम्मच और अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स साथ ही मैंने डाला है एक चम्मच भर के कद्दूकस किया हुआ अदरक तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि सारे जो मसाले हैं वो पूरी इस फिलिंग में अच्छे से मिक्स हो सकें अब हम लेंगे एक कटोरी जिसमें हम लेंगे दो चम्मच मैदा दो से तीन चम्मच मैदा आप यहाँ पर ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा डालेंगे स्वादानुसार हम नमक और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है लिक्विड थोड़ा इस तरीके का जिस तरह की कंसिस्टेंसी पकौड़ी के लिए हम बेसन बनाते हैं ना उस तरह की क्योंकि ये हमारे रोल को कवर अप करने में हेल्प करेगा अब हम क्या करेंगे जो आटा हमने बना रखा था उसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको हम ओवल साइज़ में बेलते जाएंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए काफ़ी लंबा मैंने इसको बेल लिया है अब हम क्या करेंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी ना वो फिलिंग हम इसके ऊपर सेट करते जाएंगे इस तरीके से और इसको इक्वली फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर और अब हम क्या करेंगे इसके किनारों पर लगा देंगे पानी और इस तरीके से ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल ना रहे काफ़ी अच्छे से इसको हमें सेट करना है सेट करने के बाद अब हम इस पर निशान लगा लेंगे इक्वली ताकि हमारे जो रोल है वो सारे सेम साइज़ के बने और फिर हम इसको कर लेंगे कट ये देखिए इस तरीके से हमें इनको कट कर लेना है तो हमारे जो है सारे वेज रोल बनकर तैयार हो जाएंगे अब जो हमने मैदा का घोल तैयार किया था ये जो दोनों तरफ से हमारे रोल खुले हुए हैं ना इस तरफ़ से हमें इसको इसमें डिप कर लेना है ठीक है कुछ इस तरीके से हम इसमें डिप करेंगे ताकि जो हमारी फिलिंग है वो कढ़ाई में तेल में ना निकले तो अब हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए और ईद को हमें डीप फ्राई करना है बिल्कुल समोसों की तरह धीमी धीमी आंच पर यानी मीडियम टू लो इतनी ही आँच हमें रखनी है ज़्यादा आंच हमें नहीं रखनी है और लगभग चार से पाँच मिनट बाद जब आपके ये थोड़ा गोल्डन कलर के होने लगते हैं रोल तो हम इनको निकाल लेते हैं तो जब तक हमारे ये रोल पक रहे हैं अभी मैं बताती हूँ कि जो हमारे साइड से बचे हुए रोल थे उनको हमें किस तरीके से कवर अप करना है ये रोल ये देखिए हम दोनों साइड से इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद आप चाहे तो इसको जो हमने पेस्ट बनाया था मैदा का इसको पूरा ही उसमें डिप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से एक साइड से भी आप इसको डिप कर सकते हैं और और इसको भी डीप फ्राई कर लेंगे तो जी इस तरीके से हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे और सारे रोल को हम डीप फ्राई कर लेंगे ये देखिए जो हमने रोल इसमें डाले थे कढ़ाई में वो हमारे बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं अब हम एक एक करके ये रोल बाहर निकाल लेंगे तो कैसे लगे आपको ये मिक्स वेज रोल अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और उसी के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंजॉय कीजिए इस रेसिपी का बनाइए अपनी फैमिली के लिए और खिलाइए मैं फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार